नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि यात्रियों को इमरजेंसी में यात्रा करने के दौरान आखिरी समय पर ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ती है और अगर टिकट उपलब्ध नहीं है तो कन्फर्म टिकट पाने के लिए तत्काल सबसे अच्छा विकल्प है। यात्रा से ठीक एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि 3AC और उससे ऊपर की क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है। और जब आप IRCTC पर तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो इसे तेजी से बुक करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके पास IRCTC अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप www.irctc.co.in वेबसाइट या फिर IRCTC ऐप पर जाकर इसे बना सकते हैं। अकाउंट बनने के बाद मास्टर लिस्ट बनाएं। आप माय प्रोफाइल सेक्शन में मास्टर लिस्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं और यात्री का नाम, उम्र, लिंग, जन्म प्रेफरेंस, फूड प्रेफरेंस, सीनियर ID, कार्ड टाइप और ID कार्ड नंबर जैसे डिटेल भर सकते हैं। यात्री को मास्टर लिस्ट में जोड़े। आप लिस्ट में अधिकतम 20 यात्रियों को जोड़ सकते हैं। अब माय प्रोफाइल की ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ट्रैवल लिस्ट बनाएं और मेन लिस्ट से यात्री का नाम चुनें। अब आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब सवाल यह है कि आप तत्काल टिकट बुक कैसे कर सकते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लास 3AC या उससे ऊपर के लिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर सुबह 9:57 से पहले और स्लीप क्लास के लिए 10:57 से पहले लॉग इन करें। फिर प्लान माई ट्रिप टैप के तहत स्टेशनों के नाम को चुनें और अपनी यात्रा की तारीख चुनें और सेंड करें। अब सुझाई गई ट्रेनों की लिस्ट में से उन ट्रेन का चयन करें जिसे आप यात्रा करना चाहते हैं। कोटा से भी चुनें, सामान्य, प्रीमियम, तत्काल, महिला और तत्काल। फिर उन डिब्बों का चयन करें जिनके लिए आप टिकट बुक करना चाहते हैं और पैसेंजर डिटेल दर्ज करें। अब मास्टर लिस्ट आपका समय बचाकर इसमें आपकी मदद करेगी। यदि आप 1-2 यात्रियों के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो मास्टर लिस्ट से यात्री डिटेल का चयन करें, लेकिन यदि यात्रियों की संख्या अधिक है तो कृपया ट्रैवल लिस्ट से पैसेंजर डिटेल चुने। जब आप ये कर लेंगे तो पेमेंट के साथ आगे बढ़े। सारी प्रोसेस होने के बाद तो आप माई बुकिंग टैब पर बुक किए गए टिकट को पा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।